हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी ब्लैक कॉफ़ी तैयार हुई। अभी तो बज रहे हैं 6:35 बट आई वोक अप अराउंड 6:15 पे। मैं उठ गई थी, पता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन थी रात को कि मैं कैसे उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी। ऑब्वियसली 1.5 महीने बाद में फिर से उस ट्रैक में वापस आने को टाइम तो क्या नहीं लगेगा, बच्चे को थोड़ा टाइम लगेगा। आई वॉज बिट स्केयर्ड कि मैं उठ पाऊँगी नहीं उठ पाऊँगी। फिर सिर्फ सुबह के भजन स्टार्ट हो गए। आई एम सो फीलिंग रिफ्रेश। सुन रहे हो ना, पिछले सॉन्ग चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। पीयू का ही मैंने लंच बॉक्स और बनाना उसका पैक कर दिया है। आज भी मेरा काफ़ी लंबा डे है, मतलब लंबा डे इन द सेंस लाइक बैक टू बैक आई हैव माय क्लासेस। बीच में आऊँगी, घर जाऊँगी, घर आऊँगी लाइक लिटरली पीयू को ड्रॉप करूँगी, पीयू को पिकअप करूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आज से मतलब ही स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्केड्यूल मेरा बिल्कुल ही अपना 360 डिग्री चेंज हो गया है। यार आप बीइंग अ मदर, आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। देखो आई एम हैप्पी दैट शी इज़ गोइंग टू स्कूल बिकॉज शी विल गोना लर्न समथिंग न्यू। बट बच्चे के लिए ना एकदम से अडाप्ट करना फिर से उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो स्केड्यूल में आना, रूटीन में आना, सुबह उठना, भागना, मतलब इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। चलो ठीक है, ऐसे तो बच्चे हमारे सीखते हैं, हम लोग भी तो ऐसे सीखते हैं। मिलके मैं थोड़ी देर में बाय। कश्मीर से वापस आई ना, तो ये देखो मेरी कॉफ़ी का क्या हाल हो रखा था, क्या मॉइस्चर जम गया था। तो इसलिए मैंने ना नया वाला ले आई। मैं ना ऐसे वाला पैकेट ले आती हूँ जैसे ब्रू का है, और बस ये वाला ऐसे इसके नेस्कैफे के यही पड़े हुए थे, तो मैं उसमें पोर कर दूँगी, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी तो मॉर्निंग पीनी होती है। अब मैं सोच रही हूँ इस कॉफ़ी का, ये तो कुछ देखूँगी यूट्यूब पे कि कुछ हो सकता है, मतलब आई डोंट वांट टू थ्रो इट लाइक दिस। मैं कुछ चेक करूँगी कि इस कॉफ़ी को मैं कैसे फिर से कंज्यूम कर सकती हूँ, या किसी और पर्पज़ में इसको डाल दूँ मैं। पूरा देखो कितना गंदा हो रहा है ब्लैक ब्लैक। पीयू के लिए ना मैंने एक बर्गर पैक कर दिया। मैं भैया रात को ही पूछ के सोती हूँ तो वो क्या लेके जाना है। चीज़ बर्गर है ये ना, या कोल्ड ना बहुत टाइम से मांग रही थी, बट वहाँ पर वो आ नहीं रहता जहाँ से मैं परचेज करती हूँ अपना सामान क्रॉस से, और साथ में एक बनाना। बस यार खा के आ जाए, जस्ट प्रे टू गॉड, वरना मुझे बहुत टेंशन रहती है खाना नहीं खा के आती। आज के डैडा इसको छोड़ने जा रहे हैं फर्स्ट डे फील कमाने के लिए। इसको समर ब्रेक के बाद ना बच्चे का फर्स्ट डे है, तो इसको स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं। मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए ना बनाया है, जो कल के आलू बच गए थे ना, आलू परांठे के, उसके मैं वो रख लेती हूँ पटाटोज और साथ में चाय। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाए हैं वो दिख रहे बर्गर्स, उसमें भी सेम फिलिंग्स हैं। और बहुत सारी ना मेरे पास स्प्रेड्स पड़े थे, सबका मिक्सचर बना के मैंने डाल दिया इसमें। मैं ना वैसे भी स्कूल से पीयू को छोड़ने के बाद ना सो गई थी एक आध घंटा, अब मैं भाग जाऊँगी इसको खा के अपनी क्लासेस के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लासेस के लिए। मैंने ना जल्दी ब्रेकफास्ट किया, और अब पता मैं घर कब वापस आऊँगी। अब मैं पीयू को डायरेक्टली लेके घर पे वापस आऊँगी। इसको स्कूल से ना पिक एंड ड्रॉप हम भी लोग करते हैं, तो मतलब जनरली मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं यूजली बाहर होती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा पैक्ड अप होती हूँ, लाइक मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड को ना कॉल कर देती हूँ, तो वो उसको पिक करके ले आते हैं। तो हमारे बीच में ना ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो बंदा ज़्यादा बिजी होगा तो दूसरा बंदा ले आएगा, तो मतलब ये नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही है इस चीज़ की। और काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है, मतलब एक घंटे का जो पावर नैप था मुझे बहुत बेनिफिशियल किया, क्योंकि रात को भी ना मैं बड़े स्ट्रेस में सोई थी यार। मैं सुबह कैसे उठूंगी, नहीं उठ पाऊंगी, समझ ही नहीं आ रहा था यार, इतना टेंशन में थी। दो दो अलार्म सेट करके सोई थी। सुबह 3:15 बजे भी पीयू इवन वोक अप एंड शी सेड कि मम्मा हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कि हमको कितने बजे उठना है एंड ऑल दैट करके। मेरे कहा बेटा मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही ढंग से, बट जो मॉर्निंग का मेरा पावर नैप था ना पीयू को ड्रॉप करने के बाद, वो बहुत वर्थ था। अब जा रही हूँ अपनी क्लासेस के लिए, और हाँ आई दिखाऊंगी मैं साथ में थोड़े बहुत स्नैक्स में क्या लेके जा रही हूँ। रुको यार थोड़ा सा सेटल डाउन होने दो, मुझे भी दिखाती हूँ मैं फिर। अगर आप बाहर रहो ना ज़्यादा देर, तो आपको ना वैसे ही भूख भी बहुत लगती है, तो मैंने अपनी सडन भूख लिए क्या जुगाड़ कर लिया, ड्राई फ्रूट्स रख लिए अपने साथ, तो कि जब भी मुझे इंस्टेंट भूख लगेगी ना आई विल हैव दिस। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा ऑयली कम खाना खा रही हूँ, तो जैसे मैंने सुबह ब्रेड टोस्ट खा लिया था बिना ऑयल के था, सिर्फ एक तो अनियन वाला वो वेदा का आता है ना, वीबा का आता है वो, उसके स्प्रेड्स लगाए थे, तो वो फैट फ्री होते हैं वो लगाए थे, और बस पटाटो थोड़ा सा फिलिंग कर लिया था। अब मेरी हो गई है रेड लाइट ख़त्म, अब मैं जा रही हूँ, ग्रीन लाइट स्टार्ट हो चुकी है, सब भेड़ बकरियों की तरह चले जाते हैं। रखती हूँ यार कहीं ट्रैफिक वाले भैया ना मिल जाए मुझे आगे कहीं पे।
एक क्लास तो मेरी डन है. गाना सुन रहे हो पीछे से? कौन सा गाना चल रहा है? हमारे बचपन की यादें इस गाने से. गलियां अच्छा लग रहा है ना. अच्छा कल मैंने कोकोनट ऑयल नहीं लगाया था, कल मैं बस ना वो फेस सीरम पड़ा था जो मुझे कोलैबोरेशन आया था ना वो लगाया था, तो मुझे लग रहा उससे भी फर्क पड़ रहा है मेरी स्किन पे. आप लोग भी, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आप भी कोकोनट ऑयल दो रोज मसाज करते सो. ऐसी ऐसी मसाज वाली होती है ना वो करके सुनना आप लोग भी. इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस टू पिक योर चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल यार. क्या बता रहे हमको? कौन सी मैम पूछ के आई हो बेटा? मारेगी तुम कुछ भी. हां ये कीड़े मकोड़ा लग रहे हो तुम लोग सब मेरे को. इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैंने कहा सोचा अपने लिए बनाने से पहले कुछ मैं ना एक छाछ पी लूँ. बहुत गर्मी है देखो, ये पूरा स्वेट है. मैं बस पीयू को पिक करके लाई हूँ, धूप में 5-10 मिनट खड़ी हूँ और इतना स्वेट स्वेट हो गया मेरे को. अभी मैं ना खाना ना खा के फिर सबकी क्लास में निकल जाऊँगी, तो इससे पहले सोचा रिफ्रेशिंग सा एक छाछ तो बनती है बॉस. स्पेशल लंच ऑफ माइन इज बेसन का चीला एज यूजल, और साथ मैंने रख दी है पुदीने वाली चाय. अब बस चीला खाऊंगी, थोड़ी देर का मेरे को ब्रेक मिलेगा और मैं चल पड़ूंगी अपनी फिर से क्लासेस के लिए. शाम को भी आके मेरी ऑनलाइन क्लास भी है, तो उसका भी मुझे अरेंजमेंट करके जाना पड़ेगा खाने पीने का ना. देखती हूँ क्या करती हूँ, टाइम मिलेगा तो अभी अरेंज कर जाऊँगी, वरना फिर शाम को आके टूट गया ना क्या. ये बड़ी दिक्कत होती है मेरे साथ इस चीज़ की. चल पड़ी अपनी दुकान फिर से खोलने के लिए. होते हैं ना जैसे लाला लोग बैठते हैं शॉप पे और अपनी दुकान लंच करने के बाद फिर से जाते हैं शॉप पे अपना दुकान खोलने के लिए, मैं भी अपनी दुकान खोलने के लिए जा रही हूँ फिर से अपनी क्लासेस के लिए. चीला वीला खा लिया था मैंने को. अब मैं बहुत ना पेशेंस रखने लगी, अदरवाइज मुझे ना बहुत तेज की ना सडन भूख लगती तो मुझे पेशेंस नहीं रहती, मैं घर में चिल्लाना वाना शुरू कर देती हूँ. बट अब मैं धीरे धीरे करके ना पेशेंस लग गई हूँ कि भैया आते बाहर से थोड़ा सा सेटल डाउन होना पड़ता है, तब मैं अपना फटाफट से कुक करने लग जाती हूँ अपना. मेरी हो गई है ग्रीन लाइट, में भाग रही हूँ अपनी क्लासेस के लिए. चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, बाय गाइस. आ गई मैं अपनी क्लासेस के लिए. ठीक लग रही ना मैं? सही लग रही ना? बन बन बांध लिया है अपना शटर मेरा, आज का बाहर का जो है वो बंद होने वाला है. मतलब मेरी बाहर की ना जो भी क्लासेस हैं वो आज की फिनिश कर ली है. अब मेरी जो है क्लास रह गई है ऑनलाइन क्लास, उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स हो सकती हूँ और सोच सकती हूँ कि क्या खाना है. मुझे लगता है सारे ना खाने की वीडियोज बनाते रहते हैं, खाना है खाना है खाना है. मुझे लगती है भूख, या मैं डिनाई नहीं करती इस चीज को, मुझे ना हर थोड़ी देर बाद ना भूख लगती रहती है. तो अब मैं जैसे फोन रखूंगी ना, मैं अपने ना जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कैरी कर रखे हैं ना, मैं वो खाना शुरू कर दूंगी. चलो मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ घर पे अभी. हाँ यार, पेट्रोल भी भरवाना है, सीएनजी भी भरवाना है. पेट्रोल भी ऐसे ब्लिंक कर रहा है कि मैडम पेट्रोल भरवा लो, इसमें अब खत्म होने वाला है. सीएनजी तो वैसे ही सुबह खत्म हो गई थी, और जब ये ड्रॉप करने गई थी ना तब लगा भी था मौका, बट वही है ना लेजीनेस ही खा दी उस टाइम पे मैंने कि भरवा लूंगी बाद में. अब पहले सीएनजी और पेट्रोल दोनों इसको रिफिल करना पड़ेगा मुझे. मिलती हूँ, बाय. अरे बताओ अपना एक्सपीरियंस. मैंने तो ग्रीन लाइट पे राइट टर्न ले लिया था, लास्ट जो मतलब दो ब्लिंक्स रह गए थे उसमें मैंने अपना राइट टर्न ले लिया. और पीछे भी ना एक बंदा आ रहा था चिपक चिपक के, और राइट में ही खड़ा था एक ट्रैफिक वाला, उसको पकड़ लिया, उसको चलान हो गया यार. ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज है यार. ऑब्वियस बात है, ग्रीन लाइट खत्म हो गई तो खड़े हो जाओ यार, एक आध मिनट में कितना फर्क पड़ जाएगा आपको. अब चलान होगा, जितने का भी चलान मुझे पे करना पड़ेगा. मुझे आई रियली फील बैड, मैं कभी भी ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ती, मैं कभी भी नहीं तोड़ती, मैं बहुत ध्यान से चलाती इस चीज को. चलो अभी मैंने चबा ली थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो पिस्ता और किशमिश बोलते हो, मैं इसको ना पंजाबी में शोगी बोलते हैं हम लोग इसको. दीज आर द ड्राई ग्रेप्स, वो खा जा रही हूँ. थोड़ा सा ना भूख, जब घर पहुंचो तो थोड़ा सेटल्ड रहूँ मैं, इसलिए बाय. अभी चल रहा है इसका सीएनजी फ्यूल टॉपअप का काम, फिर मेरे को अपना पेट्रोल भी भरवाना है. इसमें स्टेशन में सिर्फ सीएनजी फ्यूल होती है, अब नेक्स्ट स्टेशन में जाऊंगी टॉपअप करवाने के लिए फ्यूल, क्योंकि फ्यूल भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट. फ्यूल भी टॉपअप करवा लिया और सीएनजी भी फुल करवा लिया. अब रिलैक्स होकर ना मैं एक हफ्ते तक आराम से गाड़ी चला सकती हूँ, मुझे कोई लाइन वाइन में लगने की जरूरत नहीं है. क्योंकि वैसे तो खैर सीएनजी में भी इतनी लाइनें लगती नहीं है, इतने तो सीएनजी स्टेशन हो गए. मेरे घर के पास ही 4 स्टेशन है यार, और पीयू के स्कूल के पास भी एक स्टेशन है, तो मैं कहीं से भी भरवा लेती हूँ. वो सुबह ना मैंने लेजीनेस कर दी भरवाने के लिए. चलो मूविंग बैक टू होम नाउ.
बाय पियो, बाय बाय। क्या थी ताबड़ दौड़ में लगी, चाय बनाई पियो के लिए, मिल्क शेक क्या उसका कोल्ड कॉफी तैयार करती है, उसका पैनकेक मेरा सूप तैयार हो रहा है, और एक तरफ ना एयर फ्रायर में मैंने अपने में रखा है वेजीज, और वेजीज में अनियन है, कैप्सिकम है, और टोमेटो है, और चीज है, और साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं। माय गॉड, मैं तो सुपर वूमन बन गई आज को यार। यार मेरे तो सारे वेजिटेबल्स और चीज जल गए, मैंने थोड़ा ज्यादा देर के लिए रखते थे और पावर ज्यादा कर दी थी। चलो अब मेरे को तो इवनिंग स्नैक्स में यही खाने को मिलेगा, मैं बस चाय के साथ ये खाऊंगी और मेरे इसका करते हैं क्लास। आज ना मैं कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हूँ, अप्लम जो मैं लेके आई थी ना अशोक विहार मार्केट से, दीप मार्केट से, और साथ के सूप मैं पहले भी खाती थी, बहुत यमी लगता था। और तुम पियो क्या कर रही है, पियो इज ईटिंग खिचड़ी, मुंह सड़ा हुआ क्योंकि इसने कल स्कूल जाना है। वेलकम बैक, मैं ना रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हूँ मैं आज। ना मैं मॉर्निंग में जब उठी थी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी यार, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बट थैंक द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग मैनेज गॉट मैनेज, क्योंकि यार मेरा बहुत हेक्टिक डे था और सच में बच्चे का पहले दिन था, बट एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे अच्छा लगा कि मैं इतनी लाइक सुपर वूमन हो चुकी हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ, और आई थिंक हर कोई मैनेज कर सकता है हल्का सा। देखो स्टार्टिंग में कुछ नई चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लगता ही है, बट अगर टाइम मैनेजमेंट रखोगे और हर चीज़ को बहुत स्मूथली लाइक आप करोगे और इंजॉय करते हुए करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितने सारे काम निपटा लिए, ज़्यादा ज्ञान हो गया ना। चलो मैं अब रखती हूँ, मेरा ब्लॉग में एंड करूँगी, अब सो जाऊँगी, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह मंगलवार की सुबह, बाय, टेक केयर।